Good morning, students. I hope you all are fine at home. Myself, Mrs. Neeraj, and we are revising lesson number 15 The Plant Work. The back exercise of this chapter is circle the correct option. Part a is circle the correct option. First, a tree or creeper is tall and big plants. A tree or creeper is a big टॉल एंड बिग प्लांट इन दोनों में से कौन सा है जो बिग और टॉल है दट इज टॉल सॉरी ट्री यूवेल सर्कल ट्री नंबर टू श्रब अश्रब इज अ बुशी और वीक प्लांट श्रब जो है वो बुशी प्लांट होता है या वीक प्लांट तो आंसर इज बुशी यूवेल सर्कल बुशी नंबर थ्री अहब और क्रीपर इज वेरी स्मॉल प्लांट वेरी स्मॉल प्लांट कौन से होते हैं हर्ब और अक्रीपर आंसर इज़ हर्ब नंबर फोर अक्रीपर और क्लाइंबर हैज़ हैवी फ्रूट हैवी फ्रूट किसका होता है क्रीपर का या क्लाइंबर का तो आंसर इज क्रीपर क्रीपर का जो फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होता है इसलिए वो अलोंग द ग्राउंड क्रीप करते हैं

श्रब की स्टेम वोडी हो होती है ट्रू नंबर थ्री कैरेट एंड टर्निप आर द रूट्स ऑफ द प्लांट इट्स ट्रू कैरेट और टर्निप जो है वो रूट्स होते हैं प्लांट के ट्रू कॉलीफ्लावर इज द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट फॉल्स कहता है कॉलीफ्लावर इज द फ्रूट ऑफ द प्लांट कॉलीफ्लावर फ्रूट पार्ट होता है प्लांट का नो इट्स अ फ्लावर पार्ट ठीक है तो ये फॉल्स है नेक्स्ट क्लासीफाई दीज प्लांट्स ये प्लांट्स दिए हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई दम दिस वट इज दिस टर्निप टर्निप विच पार्ट ऑफ द प्लांट रूट्स ये अंडर द ग्राउंड होते हैं और ये रूट पार्ट है प्लांट का ठीक है दिस इज़ द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट नंबर टू व्हाट इज़ दिस जिंजर दिस इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम होती है ये नंबर थ्री नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर कौन सा पार्ट है प्लांट का दैट इज़ फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट राइट तो यू विल राइट ये फ्लावर पार्ट है और ये कॉलीफ्लावर है नेम दे दिए मेंशन कर दिए साथ में विच पार्ट ऑफ दिस दीज आर द लीव्स लीव्स किसकी स्पेनेच की फाइन स्पेनिज पालक नेक्स्ट व्हाट आर दिज सीड्स ये वीट है और वीट के ये सीड्स हैं सीड पार्ट ऑफ द प्लांट फाइन तो यू विल रिवाइज दीज Three parts at home, and thank you for today. Have a nice day.